फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के नाम से मशहूर बाल शास्त्री जांभेकर प्रिंट मीडिया और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। 6 जनवरी को महाराष्ट्र में संपन्न व्यक्ति की याद में पत्रकार दिवस के रूप मनाया जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जांभेकर ने महाराष्ट्रियन दिमाग को ढालने में मदद की, खासकर 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, और उन्हें प्रिंट मीडिया के महत्व को देखा और इसलिए इसे जन जन में स्वतंत्रता के प्रति रुचि जगाने के लिए इसका सर्वोत्तम उपयोग किया। वह जानता था कि यदि भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना है और यदि अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है तो जनता को जागरूक करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और उसके लिए प्रिंट मीडिया से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। यह देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता के उनके अंतहीन प्रयासों के कारण था कि उन्होंने 1832 में दर्पण नाम से मराठी भाषा में पहला समाचार पत्र स्थापित किया था। इस समय जांभेकर सिर्फ 20 साल के थे और उन्हें इस समाचार पत्र के संपादक के रूप में दो अन्य लोगों गोविंद कुंटे और भाव महाजन के साथ काम किया। इसी के साथ मराठी पत्रकारिता का युग शुरू हुआ। लोकशाही का चौथा स्तंभ है, उसे हम पत्रकारिता कहते हैं, जो कि समाज में जो कमियां है, जो हर समाज के हर क्षेत्र में जो कमियां हैं उसको उजागर करने का काम पत्रकारिता के द्वारा पत्रकार करते हैं। और आज बाल शास्त्री जांभेकर जी जो संस्थापक रहे हैं मराठी वृत्तपत्र सृष्टि के और पत्रकार जगत के, तो आज की जो पत्रकारिता है, जैसे पिछले दशकों की या शतकों की इसमें गए, तो एक बात है कि एक उद्देश्य, एक हेतु लेके पत्रकारिता की जाती थी, उसका एक उद्देश्य रहता था, उसका एक आधार रहता था। आज की दृष्टि में उस आधार की, उस हेतु की जो धार बोथट हुई है, जिसकी धार चली गई है, वो धार फिर से लगाने की और पत्रकारिता या लोकशाही का जो चौथा स्तंभ है उसको नए रूप से सामने लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को इस पत्रकार दिवस पर शुभेच्छा। देखिए, पत्रकारिता उस दौर की पत्रकारिता और अभी मौजूदा समय की पत्रकारिता में काफ़ी बदलाव आया है। ये बात है कि पत्रकारिता की गरिमा को लेकर कहीं ना कहीं हम कमियां महसूस कर रहे हैं, इसके लिए बदलाव की ज़रूरत है। अगर हमें फिर से उस दौर की पत्रकारिता को बरकरार रखना है तो उस दौर में एक बार जाना, वापस जाना होगा और आने वाले समय में पत्रकारिता की गरिमा को बरकरार रखने के लिए हमें फिर से एक नए प्रयास की ज़रूरत होगी, क्योंकि आज की पत्रकारिता कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने रास्ते से भटकाव की दिशा की ओर जा रही है। इस भटकाव को रोकना बेहद ज़रूरी है और ये आने वाले समय के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या हिंदी प्रिंट मीडिया हो, इसमें यानी बदलाव की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।